Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and parents. How are you all? Hope you all will be good and fine and will doing good things at home. I am teacher of class rep from Bishaw Middle School, Lushira campus, and presenting summer vacation tasks for the month of August 2020. Dear students, before watching our video, subscribe our YouTube channel and also press the bell icon for new notification. Dear students, today our subject is GK and Islamiyat. We will learn today in Islamiyat and general knowledge subject. And this is our lecture number 3. In GK, our topic is question number 12 and Islamiyat, हमारा उन्वान है सवाल नंबर 4, 5 और 6. So first of all, you have to take out page number 6 of your GK book. And we are going to learn question number 12 today. Name some unhealthy and junk food. Today our topic is question number 12 and this is about unhealthy and junk food. Question number 12 is name some unhealthy or junk food. So unhealthy and junk foods are burger, pizza, cold drinks and snacks. जैसे कि सब बच्चों को burger, pizza, cold drinks and snacks पसंद हैं and हम सबको mostly ये junk food ही पसंद होते हैं but these are actually unhealthy food. These are not good for our health. ये हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और हमें क्या करना चाहिए इन चीज़ों को अपने खुराक में अपने फूड में अवॉइड करना चाहिए थोड़ा सा कम करना चाहिए अगर हम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते सो वी हैव टू मिनिमाइज हमें कम से कम अपने खुराक में ये जो चीज़ें हैं ये लेनी चाहिए जैसे कि बर्गर हैं सबको बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद होता है पिज़्ज़ा है एंड स्नैक्स हैं तो बहुत सारे बच्चों को ये पसंद होते हैं सो बर्गर पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें अवॉइड करनी चाहिए दीज आर अनहेल्दी फूड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर इस्लामियात इस्लामियात में हमारा आज का उनवान है नमाज ठीक है स्टूडेंट्स एंड 4, 5 and 6 क्वेश्चन जो हैं वो आज के हमारे टॉपिक में हैं एंड वी हैव टू लर्न अबाउट दिस सो क्वेश्चन नंबर 4 जो हैं वो हैं मुसलमान दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं प्यारे बच्चों जैसे कि मुसलमान दिन में नमाज पढ़ते हैं तो इस पे पूछा गया कि कितनी बार नमाज पढ़ते हैं तो इसका सही जवाब है मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं ठीक है यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि उन 5 नमाज़ों के नाम बताएं सो 5 नमाज़ों के नाम फिर क्या हैं फजर जोहर असर मगरिब इशा राइट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि मुसलमान दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि मुसलमान जो है वो 5 नमाज़ें जो पढ़ते हैं उनके नाम बताएं तो उनके नाम हैं फजर जोहर असर मगरिब इशा क्वेश्चन नंबर 6 है नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए सो नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए ठीक है बच्चों और वज़ू सब बच्चों को पता है कि मुसलमान जब भी नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले वज़ू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मैं रिपीट करवा रही हूँ मुसलमान दिन में कितनी मरतबा नमाज पढ़ते हैं ठीक है मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं आई एम गोइंग टू रिपीट क्वेश्चन नंबर 5 5 नमाज़ों के नाम बताएं सो फजर जोहर असर मगरिब इशा ये हैं 5 नमाज़ों के नाम क्वेश्चन नंबर 6 है कि नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं यस नमाज पढ़ने से पहले मुसलमान वज़ू करते हैं सो जवाब है नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना चाहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू